आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाली मज़ेदार बिरयानी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं। उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सकें। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन 1/2 kg, डाल देंगे इसके ऊपर दही 250 ग्राम यानी 1 पाव, एक प्याज स्लाइस में कटी हुई बारीक काटेंगे, एक प्याज फ्राई हुई भी, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के, नमक और मिर्ची दोनों टेस्ट के हिसाब से लेंगे। नमक मैंने यहाँ यूज़ किया है 1.5 टी स्पून प्लेन, और मिर्ची डाली है 2 टी स्पून। इसके बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 4 से 5, आलू बुखारे 10, और गरम मसाले में हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 3 इंच का दालचीनी का पीस, बड़ी इलायचियां 2, मुंह खोल के डालिएगा, बादियान का फूल 1, हरी इलायचियां 4, लौंगे 4, काली मिर्चें 1/2 टी स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमें चाहिए पुदीना ताज़ा आधी गट्टी, पतली डंडी का लेंगे इसमें पुदीना, डंडियों से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसलिए डंडियों के साथ डालेंगे, पत्ते नहीं डालेंगे। सिर्फ डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद डाल देंगे हम ऑयल 3/4 कप, डाल के मिक्स कर लेंगे और कवर करके फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए। जितना टाइम आप यहाँ पर मैरिनेट करेंगे चिकन को, उतनी मज़े की बिरयानी बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके लिए हमें चाहिए सेला बासमती राइस 1/2 kg, 2-3 दफ़ा धो लेंगे और उसके बाद हम चावलों को भिगो देंगे 1/2 घंटे के लिए। डिपेंड करता है आपके चावलों पर, इसी टाइमिंग भिगोने की चेंज होगी। मैंने 1/2 घंटा भिगोया है, अब 1/2 घंटा हो गया है। इसके लिए हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम इतना रखेंगे कि पानी में हल्का सा नमक तेज़ हो, तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून डाला था भर के, तो ये थोड़ा सा तेज़ है चावलों में, इतना रखेंगे और हाथ पे इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। और जिस तरीके से हम सिंपल चावल पकाते हैं घर के, बिल्कुल वैसे ही पकाएंगे इन्हें। अब देखिए ये उबल रहे हैं, हम इन्हें इतना पकाएंगे कि इसके 3 हिस्से पक जाए और 1 हिस्सा रह जाए हल्का सा कच्चा। अब ये ऐसे हो गए हैं, इसका पानी फेंक देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी उसे 1 घंटा हो गया है, इसे हम पकाने के लिए रख देते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम कवर कर देंगे ताकि चिकन गल जाए। अब देखें चिकन गल गई है, और इसके बाद अब जो है हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि तेल जो है अलग हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। अब देखिए मसाला भुन गया है, इस पे जो हमने चावल पकाए थे वो डाल देंगे।
इसके बाद हमें चाहिए पानी एक टेबल स्पून, इसमें डाल देंगे हम जर्दे का रंग और डाल के मिक्स करके इस पे डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे केवड़े का पानी 1 टीस्पून, अगर से आइसन्स हो तो 2-3 ड्रॉप डालिएगा। इसके बाद इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे सर्व करें बिरयानी के रायते के साथ, जो मैं आप लोगों को पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ, वो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।